is open, Stein. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. And it's an Indian captain. रांची के राजकुमार माही को पटना से खड़गपुर होते हुए टीम इंडिया के दरवाजे तक पहुंचने में अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा। रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सुनील सिंह ने बताया कि 15 मई 1995 को अंडर 15 की रांची जिला टीम में एक खिलाड़ी माही का चयन हुआ, जो आज का महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बना। अपने शुरू के दिनों में धोनी ने खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटी की नौकरी की। 2001-02 में पंजाब के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में धोनी ने 16 छक्के जड़कर अपने आगे का रास्ता बनाया। इन्हीं दिनों के बाद सौरव गांगुली ने कलकत्ता में क्लब क्रिकेट खेलने के लिए धोनी को बुलाया। फिर दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी होते हुए धोनी ने टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई। धोनी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से एक है। करीब 154 करोड़ की कमाई ये सिर्फ विज्ञापन से कमा लेते हैं। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक धोनी 44 ब्रांडों के साथ जुड़े हुए थे। 2010 में फोर्ब्स की सूची में धोनी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर थे। क्रिकेट के अलावा धोनी को फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी और रेसिंग का भी काफी शौक है। फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम धोनी के खास मित्रों में से एक है। इसके अलावा धोनी पेट्स के भी काफी शौकीन है। धोनी के पास 3 डॉग्स हैं। कुछ दिन पहले माही ने एक टाइगर को भी गोद लिया था। इन सब के अलावा धोनी को बाइक राइडिंग का काफी जबरदस्त शौक है। विश्व की चुनिंदा और सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल का कलेक्शन धोनी के पास है। उनके बाइक कलेक्शन में यामाहा की कई पुरानी मॉडल से लेकर कई लग्जरी बाइक शामिल है, जैसे कॉफ ड्रेन 132 हेलकेट, कावासाकी निंजा, हार्ले डेविडसन, रॉयल इनफील्ड, डुकाटी 1098, टीवीएस अपाचे जैसे दर्जनों बाइक्स हैं। इसी प्रकार अगर कार कलेक्शन की बात करें तो धोनी ने 2009 में करोड़ों की कार हैमर S2 खरीद कर काफी सुर्खियों में थे। हैमर के अलावा धोनी के पास लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन है। इसमें ऑडी Q7, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, जेएमसी सीओरो, फरारी 599, मित्सुबिशी आउटलैंडर, पजेरो SFX, टोयोटा कोरोला, कस्टम बिल्ट स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां शामिल है। इसके अलावा धोनी को खेती करने का भी काफी जबरदस्त स्टॉक है। अभी हाल ही में धोनी ने खेती करने के लिए रातू के सैबड़ो में 40 एकड़ जमीन खरीदी है। धोनी इसमें ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। धोनी ने खेती करने के लिए महिंद्रा स्वराज 963 AFE ट्रैक्टर भी खरीदा था, जिससे खेती करने में काफी सुविधा हो। धोनी की वैवाहिक जीवन की बात करें तो 10 साल पहले विवाह के बंधन में बंध गए थे। साल 2010 में 4 जुलाई को धोनी और साक्षी विवाह के बंधन में बंध गए थे। आज धोनी की 5 साल की एक बेटी है, जिसका नाम जीवा है। धोनी अपने हेयर स्टाइल को भी लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। धोनी की टीम इंडिया में एंट्री के समय उनके लंबे लंबे बाल तो आप सभी को याद ही होंगे। धोनी के बालों की तारीफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी की। I saw a placard asking you to have a haircut, but if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. धोनी अब तक करीब 12 बार बालों का स्टाइल बदल चुके हैं, जो उनके फैंस को काफी आकर्षित करता है। 2004 में धोनी ने अपना पहला वनडे मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला। यहां से उनके क्रिकेट करियर का शानदार सफर शुरू हुआ। 2005 और 2006 में धोनी ने वनडे में ओपनिंग भी की थी। 2005 अक्टूबर में जयपुर में श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की पारी खेलकर इन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। 2005 के दिसंबर में इन्होंने पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के विरुद्ध खेला। लगभग 15 साल के क्रिकेट करियर में धोनी ने अपने टीम को सफलता के उस मुकाम पर पहुंचाया जो प्रत्येक कप्तान का एक सपना होता है। कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध इस भारतीय कप्तान ने 2007 में T20 विश्व कप का खिताब, 2011 में वनडे एक दिवसीय विश्व कप का खिताब और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत कर भारत का मान और सम्मान बढ़ाया। माही अपने समय में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर रहे। 116 मैच की 75 पारियों में लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने भारत को जीत दिलाई। 9 बार एक दिवसीय मैच में छक्का लगाकर इन्होंने भारत को मैच जिताया। एक विकेटकीपर के तौर पर 7 टेस्ट और 2 वनडे में बॉलिंग करने वाले पहले खिलाड़ी बने। विश्व में सबसे अधिक 232 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने का भी रिकॉर्ड धोनी के पास है। 15 अगस्त 2020 की शाम को एकाएक धोनी ने क्रिकेट कैरियर को अलविदा कह दिया। यह समाचार करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को हर्षप्रभ करने वाला था। इनके संन्यास के बाद इनके साथी क्रिकेटर काफी भावुक हो गए। भारत के महान स्पिनर अश्विन ने कहा, 2014 में जब मेलबर्न टेस्ट में धोनी ने संन्यास लिया तो
उनकी आंखों में आंसू थे और वो पूरी रात सफेद जर्सी ही पहने रह गए। हालांकि यह टेस्ट भारत हार गया था, हारने के बाद उन्होंने एक स्टंप उठाया और कहा बस अब हो गया। इस भावुक पल में सुरेश रैना, ईशांत शर्मा और अश्विन रात भर उनके कमरे में ही थे। धोनी एक महान कप्तान के साथ एक दिलचस्प इंसान भी थे जो हमेशा ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाए रखते थे। भारत के महान बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने अपनी आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड में लिखा है कि अपने पहले कप्तानी मैच के दौरान धोनी बस ड्राइवर को पीछे बैठाकर स्वयं बस को ड्राइव करके वे होटल तक ले गए। लक्ष्मण की माने तो धोनी के ये नए अवतार को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। धोनी आम जिंदगी में बहुत सरल, चंचल और मजाकिया स्वभाव के थे। धोनी के खेल और उनकी कप्तानी और उनके साथियों के साथ उनका व्यवहार झारखंडी मिट्टी की सौंधी महक और संस्कार स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर माही कैसे धोनी बन गए, इस सफलता की बुलंदियों को छूते हुए वह कब चुपचाप इंटरनेशनल क्रिकेट से विदा हो गए लोगों को पता ही नहीं चला। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का अपना विचार है कि धोनी को संन्यास वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धोनी के संन्यास वापस लेने और 2021 T20 विश्व कप खेलने की अपील करनी चाहिए। यह टूर्नामेंट भारत में ही होने वाला है। धोनी के संन्यास के बाद रांची के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने BCCI से अपनी राय रखते हुए यह अनुरोध है कि धोनी जैसे महान खिलाड़ी के लिए एक विदाई मैच का आयोजन रांची में होना चाहिए। ताजा सूत्रों की माने तो यह जानकारी मिली है कि BCCI IPL के बाद धोनी के सम्मान में एक विदाई मैच का आयोजन कराने के लिए तैयार हो गया है। हम करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को धोनी को नीली जर्सी में नहीं देखने का मलाल अब जिंदगी भर रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और बने रहे हमारे साथ।